भारत चांद पर कदम रखने से अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। विक्रम लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों ने बुधवार को चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले महत्वपूर्ण चरण की बारीकी से निगरानी की। लैंडर विक्रम ने खुद को एक ऐसी कक्षा में स्थापित कर लिया है जहां से चंद्रमा की निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसके बाद विक्रम लैंडर 113 किलोमीटर से 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। तब इसकी दूरी चांद के जमीन से सिर्फ 113 किलोमीटर बची थी, यानी विक्रम लैंडर 113 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 157 किलोमीटर वाले एपोलियन में था। पेरिलियन यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। चंद्रयान 3 बताए गए किसी भी गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमा, ना प्रोपल्शन मॉड्यूल ना ही विक्रम लैंडर, सब लगभग गोलाकार ऑर्बिट में थे। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उधर रूस का लूना 25 मून मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रास्ते में भटक गया है। रूसी स्पेस एजेंसी उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर रूस के मिशन में गड़बड़ी होती है तो वह चंद्रयान 3 से पहले ही चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब स्पेस में भारत और रूस में से कौन पहले चांद पर कदम रखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। आपको बता दें कि इस समय विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ गति भी धीमी कर रहा है। पहले से ही तैयारी ये थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डी बूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए। यदि सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी के जो आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, बिकॉज क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे, तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। ये आगे आने वाले टाइम पर भी प्रोपल्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि एक तो ये हमारा लैंडर है, साथ ही साथ ये हमारे को इंफॉर्मेशन जो भी हमारी विक्रम से इसरो तक पहुंचेगी उसमें हेल्प करेगा और एक तरीके का बैकअप प्रोवाइड करेगा कि लास्ट मिनट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्रोपल्शन से संपर्क साध सकते हैं और विक्रम की कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग को काफी खास माना जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस बार मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।